हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं जो गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार एसी आता है। इसका आज हम लोग पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं और पूरा फंक्शन वगैरह देखेंगे, क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसमें फीचर्स है, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो 1.5 टन एसी है, ये दो कैटेगरी में मिल जाता है, 1.5 टन 3 स्टार और 1.5 टन 5 स्टार में मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो 30,500 से लेकर के 31,500 के बीच में चलता रहता है। ऑफ़र वगैरह अगर आपको मिल रहा है कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह का, तो आप उसको अप्लाई करके और सस्ते में खरीद सकते हैं। और स्पेशल सेल वगैरह में दाम और कम होते हैं, तो आप उस समय कर देंगे तो और आपको सस्ते में मिल जाएगा। और इसका जो पीसीबी है उसमें आपको 5 साल का वारंटी मिल जाता है, कंप्रेसर पर 10 साल का वारंटी मिल जाता है और होल प्रोडक्ट पर 1 साल का वारंटी मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको वारंटी कवरेज भी मिल जाता है। 100% कॉपर जो है इसमें यूज़ किया गया है। इसका जो कंडेंसर है वो 100% कॉपर का बना हुआ है। इसमें कॉपर पाइप का यूज़ किया गया है। 10 मीटर आपको कॉपर पाइप फ्री मिल जाता है। इसमें जो है वो 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड दिया गया है, यानी आप अलग अलग मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। 40% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी और 110 कैपेसिटी तक ये चला जाता है। साथ में इसमें ब्लू फिन टेक्नोलॉजी दिया गया है। जो ब्लू फिन कोटिंग है इसके अंदर और इसके आउटडोर यूनिट में, दोनों इंडोर आउटडोर यूनिट में आपको ब्लू फिन कोटिंग मिल जाती है। ब्लू फिन कोटिंग से क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो है जंग नहीं लगता है, ये एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी इसको प्रोवाइड करता है। और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 4800 वाट। 100% कैपेसिटी पर चलाइएगा तो 4800 वाट का इसका कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगा। 50% कैपेसिटी पर चलाइएगा तो 2400 वाट का आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलेगा। इसमें जो है R32 गैस यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। आउटडोर यूनिट जो है वो काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी उसका जो शोर है वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड उसका लुक है और उसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको पंखा का जो आवाज़ आता है वो नहीं सुनने को मिलेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसलिए और भी ज़्यादा शांत है और इंडोर यूनिट भी काफ़ी शांत है। और इंडोर यूनिट का जो नॉइज़ लेवल है दोस्तों वो सिर्फ 42 डेसिबल्स है। अगर आप इसको फुल फैन स्पीड पे भी चलाओगे तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता है। इसका एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है। आउटडोर यूनिट का जो फैन है वो भी शांत है और जो इंडोर यूनिट का फैन है वो भी काफ़ी शांत है, यानी काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन करता है, तो ज़्यादा आपको काम करने में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप सो भी रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इसका जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छा है। 16 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको सेट करके रखते हैं टर्बो मोड पर, अगर आप इसको चलाते हो 16 डिग्री सेल्सियस पर, 10 मिनट में रूम को ठंडा कर देगा। और इसका जो मेन कॉन्स मुझे लगा इसका रिमोट है। इसका जो रिमोट है, मैंने इसका पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है इसका फंक्शन वगैरह, तो इसका जो रिमोट है वो काफ़ी छोटा दिया गया है, इसमें फंक्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं। दूसरा चीज़ है कि ये रिमोट काफ़ी डिले फंक्शन करता है, यानी अगर आप कमांड देते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि वो कमांड को फॉलो ना करे, तो रिमोट का फंक्शन थोड़ा सा इसका कमज़ोर है। तो इसका जो कॉन्स है वो इसका मेनली रिमोट है, रिमोट इसका काफ़ी स्लो ऑपरेट करता है। और इसका जो प्रोज है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका जो एयर थ्रो है, एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है बाकी एसी के मुकाबले, काफ़ी रूम को अच्छे से ठंडा कर देता है। एयर थ्रो में कहीं कोई कमी नहीं है, नॉइज़ बहुत कम है, ये सब इसका फ़ायदा है। ये एसी अगर आप लगाते हैं तो आपको सोने के समय में कोई भी नॉइज़ का, खटखट का या फिर कोई भी फ़ैन चलने का नॉइज़ का ज़्यादा शोर आपको सुनाई नहीं देगा। कूलिंग काफ़ी अच्छा है, रूम को चिल बहुत कम समय में कर देता है, चिलिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसका एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसको लगाएं इसमें ज़रूर आप स्टेबलाइज़र प्रोवाइड कर दें। मैंने इस स्टेबलाइज़र का भी रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, ये माइक्रोटेक का मैंने परचेस किया था। ये 1.5 टन कैपेसिटी के लिए काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज़र था, तो मैंने इसको परचेस किया था ऑनलाइन ही। और इसको स्टेबलाइज़र के साथ ही आप जब भी चलाएं तो स्टेबलाइज़र के साथ ही चलाएं, क्योंकि इसमें बिल्ट इन स्टेबलाइज़र नहीं आता है, तो आपको स्टेबलाइज़र प्रोवाइड करना पड़ेगा सेफ्टी के लिए और सही वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। और ये दोस्तों काफ़ी एडवांस है, इसमें अगर आप ऑटो मोड पर डाल देंगे तो इसका जो थर्मोस्टेट है वो एंटी फ्रीज वाला है, तो काफ़ी अच्छे से टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। और डिटेक्ट करने के बाद अपने से खुद से ये टेम्परेचर को सेट कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग फ़ैन का स्पीड भी सेट कर लेगा और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमोट में ढेर सारा फंक्शन मिल जाता है, आईसेंस का, टर्बो का, स्लिप का, टाइमर का, डिस्प्ले का, वर्टिकल स्विंग का। यहाँ पे सिर्फ आपको वर्टिकल स्विंग मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं मिलेगा। और इसका जो वर्टिकल स्विंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, जैसे मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। वर्टिकल स्विंग जैसे ही मैंने ऑन किया, आप इसका फ्लैप को देखेंगे, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। और इसका जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ये बहुत नीचे तक आता है और इसका जो फ्लैप है काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो जिससे होता क्या है कि अगर आपके रूम पे ज़्यादा कोई है, बहुत कोई है, तो जो एयर का फ्लो मिलेगा उनको वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और जो एसी के पास है उनको भी काफ़ी अच्छा हवा मिलेगा और जो एसी से थोड़ा दूर बैठे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा एयर थ्रो मिलेगा, उनको भी काफ़ी अच्छा हवा मिलेगा। इसमें एक चीज़ की कमी है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है फ्लैप की वो नहीं होती। अगर वो होता तो और भी अच्छा इसका एयर फ्लो होता, पर वो हायर मॉडल पर दिया गया, इस मॉडल पर नहीं दिया गया है। और इसमें हाइजीन प्लस वगैरह नहीं मिलता है। हाइजीन प्लस मिलने से क्या होता है कि लास्ट में जब आप एसी को बंद कर दोगे तो एक ब्लोअर चलेगा, एसी खुद का फ़ैन को ऑन करके खुद को क्लीन करने का कोशिश करता है, वो सब इसमें नहीं मिलता है।
पर बाकी सारे फीचर्स इसमें ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। और इसका जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वर्टिकल स्विंग ऑन रखा है, स्पीड फैन का कम कर रखा है, अभी मैं बढ़ाता हूँ और मैंने फ़ैन का स्पीड बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि फ़ैन का स्पीड को मैंने बढ़ाया है और मैं इसको भी टर्बो मोड में कर दूंगा और ये मैंने टर्बो मोड भी ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि नॉइज़ फिर भी काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं कर रहा है, जबकि मैंने फ़ैन को फुल स्पीड पर चला रखा है और टर्बो मोड भी डाल रखा है। और मैं अभी आइसेंस बटन को भी ऑन कर दूंगा, ये मैंने आइसेंस को भी ऑन कर दिया, यानी जो अभी टेम्परेचर जो ये डिटेक्ट करेगा वो रिमोट का टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, ना कि अपना थर्मोस्टेट वाला को। तो रिमोट का टेम्परेचर के आसपास, जो रिमोट का सेंसर के जो आसपास जो टेम्परेचर रहेगा वही एसी मेंटेन करेगा, वो अपना रूम का टेम्परेचर भी वही मेंटेन होगा। और अगर आप रिमोट को लेकर के कहीं दूर भी बैठे हुए हो तो इसका जो सेंसर लगा हुआ है उसको डिटेक्ट करके एसी उतने ही टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ना कि अपने आसपास का हवा का टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो एसी के आसपास की जो हवा है वही टेम्परेचर आपको ओवरऑल रूम में भी मिलेगी, और वो काफ़ी इवन टेम्परेचर होती है, वो आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा रूम पे, तो जिससे कि आपका जो है पूरे रूम में यूनिफॉर्म कूलिंग होगा। तो मैंने आपको आइसेंस बटन और टर्बो मोड अभी ऑन किया है, इसमें स्लिप मोड भी दिया गया, स्लिप मोड भी काफ़ी अच्छा काम करता है इसका, 8 घंटे के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है और स्लिप मोड में जैसे ही आप डालोगे 3 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा जितना पे आप सेट करके रखे हैं। टाइमर भी दिया गया है, क्लॉक नहीं दिया गया इसमें, क्लॉक का फंक्शन नहीं दिया गया, पर इसमें डिस्प्ले का बटन दिया गया, अगर आप सो रहे हो तो डिस्प्ले को बंद करना चाहते हो तो डिस्प्ले बंद हो जाएगा, ऑन करना चाहते हो तो ऑन हो जाएगा। वर्टिकल स्विंग दिया ही है, इसमें फ़ैन का स्पीड दिया, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि C5 पर चलाओगे तो 110 कैपेसिटी पे, C4 पर चलाओगे तो 100% कैपेसिटी पे, और C3 पर चलाओगे तो 80%, C2 पे चलाओगे तो 60%, C1 पे चलाओगे तो 40% कैपेसिटी पे आ जाता है। C1 पे आपका 40% कैपेसिटी और काफ़ी एनर्जी सेविंग करता है ये। इसमें 4 मोड भी दिए गए हैं, ड्राई मोड है, समर मोड है, फैन मोड है और एक ऑटो मोड है। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर घटा सकते हैं, ये पावर ऑन ऑफ करने का बटन है। तो ये सारा इसका फंक्शन है। रिमोट छोटा सा है पर इसमें फंक्शन सारे दिए गए हैं, आईसेंस का सेंसर वगैरह भी लगा हुआ है रिमोट में, तो काफ़ी अच्छे से ये फंक्शन भी कर लेता है और इस तरह का ये लुक देता है। इसमें आपको एक गोल्डन यहाँ पे एक लाइन मिल जाता है, लुक भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपके रूम का लुक को काफ़ी इन्हेंस करेगा। इसका जो बॉडी क्वालिटी है, ABS प्लास्टिक यूज़ किया गया है, काफ़ी मजबूत ABS प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, तो बॉडी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट से पूछें। तब तक लिए बाय।